जय किनारी, जय किनारी, जय किनारी, जय जय जय। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएंगे कि गिरनार की जो परिक्रमा हुई उसमें सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम कहां लगा था और लोग ये जो साइड के रास्ते हैं शॉर्टकट रास्ते क्यों ले रहे हैं, कितना बड़ा ट्रैफिक जाम था। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हम तो पूरा ट्रैफिक जाम दिखाएंगे कि एक साथ कैसे 5 लाख लोग परिक्रमा में थे और पूरा ट्रैफिक जाम लग गया। और ये इलाका कौन सा है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सा इलाका है और कहाँ कितना ट्रैफिक था, एक साथ लोग कितने घंटे तक देर तक लाइन में खड़े रहे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों पूरी तरह से ट्रैफिक जाम लग चुका है नल पानी की घोड़ी पर। सुबह से 8 बजे से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, अभी 11 बज रहे हैं। ट्रैफिक में किसी भी प्रकार का कोई इजाफा नहीं है, एक पैर भी रखने की जगह नहीं है। नल पानी की घोड़ी, लीली परिक्रमा, गिरनार, जूनागढ़। दोस्तों परिक्रमा इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझते हो, परिक्रमा करना ही बहुत मुश्किल रहती है। 35 से 36 किलोमीटर जंगल में चलना, वो भी इन पहाड़ों के बीच, बहुत ही मुश्किल रास्ता आता है लेकिन बहुत मज़ा आता है। शहर में रहने वाले लोग को तो बहुत ही पसंद आएगी ट्रैकिंग। दोस्तों ये इलाका है जो नल पानी की घोड़ी है उसकी जो जंगल की चौकी आती है ना, वो यहाँ से ही पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से नीचे उतरना है और नीचे उतरने में जो उसका जो पगथिया है ना उसके ऊपर ही ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मेन ट्रैफिक का कारण यही है, यहीं पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। देखते हैं यहाँ से हम आगे कैसे निकलते हैं और ट्रैफिक को कैसे पार करेंगे। लगता है आज दोपहर तक पूरा ट्रैफिक ही मिलने वाला है। सुबह 7 बजे से हम चले थे और पूरा का पूरा ट्रैफिक लास्ट तक हमको मिला, तो देखते हैं आगे और कितना ट्रैफिक हमको मिलता है रास्ते में। बाकी अभी तो जाम लगा हुआ है, कहीं कहीं जगह पर शॉर्टकट रास्ता लेकर हम आगे बढ़े हैं जो जहाँ सही हमको लगा वहाँ। बाकी तो देखो यहाँ पर हम खड़े हो गए अभी ट्रैफिक के बीच। ये जो नल पानी की घोड़ी है यहाँ पर ट्रैफिक होने का एक और कारण ये भी है कि यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यहाँ जो पर्वत है ना एकदम टेढ़ा है, सबको यहीं से जो सीढ़ी बनी हुई है उधर से ही उतरना है, इसीलिए सभी लोग एक ही रास्ते पर जमा हो गए। और साइड में जो आपको ये लोग दिख रहे हैं ना जो थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स ले रहे हैं वो कहीं दूर नहीं निकल पा रहे हैं, यहीं के यहीं रास्ते में इधर के इधर ही मिल रहे हैं। वरना आगे हमने देखा जिस प्रकार लोग कहीं लोग शॉर्टकट लेकर भी पहुंच रहे थे जिसकी वजह से मेन रोड पे ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा कम रहता था, लेकिन यहाँ पर सब लोग मेन रोड पे चलेंगे इसीलिए पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है।
और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो रास्ता हम घंटे या दो घंटे की सोच रहे थे उसमें हमको आज के टाइम पे दोपहर होने वाला है। अगर ये घोड़ी दोपहर तक हम उतर पाएंगे तो, और इस इधर से देखो ये पूरा गिर का जो जंगल दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एकदम पहाड़ी इलाका, एकदम साफ सुथरा मस्त इलाका है। यहाँ पर आप आए तो किसी भी प्रकार का कचरा मत फेंकना। बाकी हम पूरे ट्रैफिक का मजा लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी वीडियो के लास्ट तक रहना, इससे भी बड़ा ट्रैफिक हमको आगे मिलने वाला है। परिक्रमा के अंदर ये लोग आपको जो बड़े बड़े थैले लेकर दिख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा सामान क्यों, तो क्योंकि परिक्रमा के अंदर ज्यादातर लोगों को यहाँ पर रात रुकनी होती है, और अभी तो ट्रैफिक है इसलिए सबको रात रुकनी पड़ेगी। बाकी जो परिक्रमा करने आते हैं वो इधर जंगल में रात रुकते हैं, इसीलिए वो पूरा सामान साथ में, बहुत रात को जंगल में ठंड रहते हैं इसलिए वो पूरा सामान साथ में लेकर आते हैं। कई लोग तो अपने खाने बनाने का सामान भी साथ में लाते हैं और इधर खाना पकाते हैं जंगल के बीच में, और इधर ही रात में सो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई चिंता जंगल में नहीं रहती है, आराम से सब लोग सो जाते हैं। गुरु महाराज का पूरा वरदान है इधर, इसीलिए कुछ भी किसी भी लोगों को नहीं होता है। इस बार कुछ नया हुआ है, हमने अभी सुना है, तो पहली बार ऐसा हुआ है, वरना हर बार ऐसा कुछ होता नहीं है। सभी लोग सुरक्षित ही निकल जाते हैं परिक्रमा से, कभी किसी को कीड़ी वो चींटी आती है ना, चींटी, वो चींटी भी नहीं काटती परिक्रमा के दौरान। ऐसा वरदान वो जीना बाबा की मड्डी हमने आगे देखी ना, उधर वो जीना बाबा है ना, उसको ऐसा वरदान मिला हुआ है कि इधर जब जो कोई भी गिरनार की परिक्रमा करने आएगा ना, किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। बाकी पूरा ट्रैफिक जाम, सभी लोग अपने सर पर सामान उठाए हुए हैं। हम तो कम से कम सामान लाए हैं, केवल वो रात का ठंड का जो कपड़ा है ना वही साथ में लाए हैं, और चद्दर बिछाने के लिए दो चीज ही हम साथ में लाए हैं। बाकी ये देखिए हमारा बैग छोटा सा, और यहाँ से जो दोस्तों ये लोग जो देखिए अभी शॉर्टकट रास्ता शुरू हुआ ना, तो तुरंत वो जो छोटे लड़के रहते हैं ना वो ज्यादा शॉर्टकट पहले मारने की कोशिश करते हैं। बाकी सब लोग इधर, बुजुर्ग लोग इधर खड़े हैं, और छोटे छोटे लोग देखिए आप देख सकते हैं, युवा लड़के हैं रहते हैं वो शॉर्टकट से जल्दी निकलने की कोशिश में, वो लास्ट में आपको दिख रहे है इस प्रकार का शॉर्टकट लगाते हैं सभी लोग। बाकी तो अपनी परिक्रमा फर्स्ट क्लास चल रही है, अभी नल पानी की घोड़ी हम उतर रहे हैं, और उसके बाद आगे श्रवण की कावड़ तक हमको पहुंचना है, और यहाँ से जो गिरनार हिल्स तो पूरी दिख रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और आसपास में खाली बैग ही बैग दिख रहे हैं और लोग ही लोग, जहाँ तक हमारी नज़र जाए वहाँ तक पूरे का पूरा आगे और पीछे लोगों का मानो चक्का जाम लगा हुआ है। और एक बात आपको यह मैं बता दूं, परिक्रमा का जो आनंद है ना वो अलग ही है चीज, इसको आप खाली देख के फील नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा, तब इसकी जो फीलिंग्स है ना वो आपको अनुभव कर पाएंगे इसका। अगर आपको शक्य हो तो एक बार परिक्रमा करने के लिए जरूर आए, गिरनार की यह परिक्रमा बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आप गुजरात से बाहर से कहीं से आते हैं लीली परिक्रमा करने के लिए, तो आपके मन में सवाल होगा कि ये परिक्रमा कब शुरू होती है और कब पूरी होती है, तो ये परिक्रमा दीपावली के बाद जो कार्तिक सुद अग्यारस आती है ना उसके दिन ये परिक्रमा शुरू होती है, और कार्तिक सुद पूर्णिमा जो रहती है ना उसके टाइम पे ये परिक्रमा खत्म हो जाती है। परिक्रमा का पूरा इतिहास भी है, बहुत लंबा इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये परिक्रमा की हुई है। आप इसका उल्लेख
महाभारत में देख सकते हैं। और इधर पांडव लोगों ने भी पूरी गिरनार की परिक्रमा की है। ये परिक्रमा पहले केवल साधु संत किया करते थे, आज के टाइम पे सभी लोग करते हैं। वो पहले खाली साधु लोग जो परिक्रमा करने जाते थे ना, वो परिक्रमा कुछ अलग ही थी। अलग बोले तो वो साथ में कुछ भी सामान लेकर नहीं जाते थे, ऐसे ही परिक्रमा करके निकल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये संसारी लोग इस परिक्रमा में जुड़ने लगे ना, तो ये पूरा चेंज होता गया। लोग संसारी लोग साथ में खाने का सामान लेते गए, रास्ते में जंगल में वो खाना बनाने लगे। धीरे धीरे उसमें अपडेट आया तो ज्यादा लोग बढ़ने लगे, तो सेवाभावी संस्थाओं ने यहाँ पर वो खाने के लिए, अगर हिंदी में बोले तो मानो लंगर टाइप का लगा लिया। सबको प्रसाद मिले फ्री में, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, इस प्रकार का कर दिया। हाल के टाइम में अगर आप आएंगे तो खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप गिरनार की इस परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो। परिक्रमा में सबसे ज्यादा जो मजे की बात यह है ना कि यहाँ आपको जंगल के बीच रहने से वो जो जंगल के जो जीव है, जो शेर है, चीता, बाघ, जो इधर जंगल में जो पाए जाते हैं, उसकी कोई चिंता रहती नहीं है। ये जो परिक्रमा के जो 5 दिन रहते हैं ना, इस 5 दिन में किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्राणी आपको कुछ भी नहीं करेगा, ये इस तरह का वरदान है। परिक्रमा की सबसे अच्छी जगहों की बात करें, वैसे तो पूरी परिक्रमा अच्छी है, लेकिन आगे हमने देखा जीणा बाबा की मटी और अभी ये नल पानी की कौड़ी। यहाँ से जो सुंदर नज़ारा गिरनार हिल्स का दिखता है ना, वो हम कहाँ से भी नहीं दिख सकते। एकदम मस्त लोकेशन, प्राइम लोकेशन जिसे बोलते हैं। और आगे अभी हम जाने वाले हैं बोर देवी, उसका नज़ारा भी ऑसम रहने वाला है। इसीलिए आपको अगर वो भी देखना है तो आपको मेरी गिरनार परिक्रमा की जो पूरी सीरीज है ना, वो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये पूरा का पूरा जो परिक्रमा का जो पूरा है नॉलेज आपको मिल जाएगा, और आप जरूर परिक्रमा करने के लिए आए। परिक्रमा के बीच छोटे छोटे मोटे बहुत सारे झरने रहते हैं जो पानी के, जहां आप थोड़ी देर आराम कर अपना हाथ मुँह धोकर बैठ सकते हैं। कभी कभार तो ये झरनों में पानी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है। और इस झरनों में कृपया आप अपने साथ साबुन शैम्पू जैसी चीज़ें ना लाएं, इसके पानी को दूषित ना करें, जैसा है वैसा नेचुरल रहने दें। बाकी आप रास्ते में नींबू पानी और नारियल पानी या कई नाश्ते की चीज़ें खरीद भी सकते हैं और अपने लिए परचेज कर उसका यूज़ कर सकते हैं। हर जगह पर सेवाभावी संस्थाओं का रहता है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा आता है कि वहाँ आपको खरीदना भी पड़ता है। अगर आपको ज़रूरी ऐसा लगे तो आप बीच में खरीद भी सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गिरनार परिक्रमा की ये वीडियो पहली वीडियो हमने हिंदी में बनाई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हिंदी भाषी है उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप ज़रूर के ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ऐसी और वीडियो भी मैं लाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो हिंदी में लाऊंगा परिक्रमा की लेकर। बाकी सभी लोग रास्ते में थोड़ा थोड़ा चल के आराम फरमा रहे हैं। अभी देखिए आप एक सीधा चल नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी देर पर आपको रुकना भी पड़ेगा, आराम भी करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो आप सुबह से चलना शुरू करेंगे तो शाम तक चलेंगे, तो केवल चलने चलने में आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। जो जंगल का जो लुप्त है ना, वो आप उठा नहीं पाएंगे, आराम आराम से चलेंगे तो सही रहेगा। बाकी मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय गिरनारी, नमो नारायण। और यहाँ का जो सबसे फेमस शब्द है हरिहर, ये शब्द के साथ नई वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। फिर से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका नाम है सीताराम डीके, आप वहां जाकर भी मुझे फॉलो कर देना। ठीक है, जय गिरनारी, हर हर महादेव।
चाय गिरना रे ભાઈ.